technology. As we shall see in our later unit, we use thermal insulator around the hot water tanks. हम लोग ने विजुअल यूनिट में पढ़ा है ना कि हम लोग थर्मल इंसुलेटर जो है हम लोग वो हॉट वाटर टैंक्स की जो है ना इर्द-गिर्द जो है वो लगाते हैं इन आवर हाउसेस हमारे घरों में. सो द हॉट वाटर इनसाइड जो गर्म पानी होता है उनके अंदर डज नॉट कूल, वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता. सो क्विकली बहुत तेज़ी से नहीं होता. वो यूज इंसुलेटर इंसुलेटर इन द वॉल, हमें दीवारों पर इंसुलेटर यूज़ करने चाहिए एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेस घरों की छतों पर. सो द हाउसेस डू नॉट लूज हीट सो क्विकली, इस तरह जो घर है वो बहुत जल्दी हीट जो है वो लूज़ नहीं करेंगे. इन दिस वे इस तरह आवर होम्स कैन बी केप्ट वार्म यूजिंग लेस फ्यूल. इस तरह हमारे घर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा जो है ना वो लूज नहीं करते और कम फ्यूल में. जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जी जो क्वेश्चन है व्हाई शुड यू यूज ओवन ग्लव्स टू पिक अप अ हॉट फ्राइंग पैन, बिकॉज द ग्लव सेफ फ्रॉम हीट. What happened to chocolate when touches your warm finger? It will be melt. जब हम लोग गर्म हाथों के साथ चॉकलेट को पकड़ेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी. Does a thermal insulator keep heat in outer both? A thermal insulator keep heat in. क्या thermal insulator वो हीट को अंदर रखता है या बाहर की तरफ से भी हीट वो जो है वो रखता है या दोनों तरफ से? तो thermal insulator है वो keep heat in, हीट अपने अंदर रखता है. ठीक हो गया. इसी का आप दोनों देखेंगे. तीनों क्वेश्चन का सेवर करना है और अच्छे से करना है. और जो एक्टिविटी आप की है मैंने रीडिंग बहुत अच्छे से करवाई है तो इसकी आज एमसीक्यू जो है वो 10 एमसीक्यू है बहुत ईजी है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है.